Chef, what you should. हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुबान केसरी। जो मोदी संविधान को माथा टेकर शपथ लेते हैं वो मोदी कैसे संविधान बदल सकते हैं? संविधान किसको भी बदलने का अधिकार नहीं है, लेकिन इन लोगों ने जानबूझकर समाज में फूट डालने का काम किया। भारत तोड़ो या समाज तोड़ो का काम करने का ये नीति कांग्रेस पार्टी की रही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की जो कमेटी CWC है या उन्होंने शायद राहुल गांधी जी का नाम तय किया अपोजिशन लीडर के लिए, लेकिन राहुल गांधी जी तैयार है नहीं हमको मालूम नहीं है। मतलब राहुल गांधी जी ने एक बार अध्यक्ष पद भी छोड़ा था जब 19 के चुनाव में बहुत भारी हार कांग्रेस पार्टी को खानी पड़ी थी। 44 ही मतलब सीटें उनको चुनकर लाने में सफलता मिली थी और उसमें भी 18 सीटें शायद केरला की थी, इसीलिए वो इतनी सीट पर बढ़ गई है। तो 20-22 सीटों में कांग्रेस पार्टी निपट जाती थी, तो तभी उन्होंने आदेश पत्र छोड़ा था। अभी उन्होंने ये प्रचार किया कि संविधान का प्रचार किया कि संविधान बदलेंगे। जो मोदी संविधान को माथा टेकर शपथ लेते हैं वो मोदी कैसे संविधान बदल सकते हैं? जिस संविधान को पर हाथ रखकर शपथ ली है वो कैसे संविधान बदल सकते हैं? संविधान किसको भी बदलने का अधिकार नहीं है, लेकिन इन लोगों ने जानबूझकर समाज में फूट डालने का काम किया। समाज तोड़ो भारत जोड़ो यात्रा निकालने का और भारत तोड़ो या समाज तोड़ो का काम करने का ये नीति कांग्रेस पार्टी की रही है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हमेशा इन लोगों ने खेली है और अभी नरेंद्र मोदी जी एक ओबीसी समाज का आदमी, गरीब घराने का आदमी अभी प्रधानमंत्री पद पर है, वो इनको ठीक नहीं लग रहा है, ये एकदम अस्वस्थ है और सब पार्टियों को लेकर मोदी जी के खिलाफ मोर्चा खोला है, लेकिन मोदी जी भी कुछ कम नहीं है, हम उनके साथ है और इसीलिए अभी तो हम सत्ता में आए हैं, लेकिन अगली बार हमारी 2029 का चुनाव होगा उसमें हमारा प्रदर्शन और भी इतना अच्छा होगा कि मुझे लगता है कि अपोजिशन को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी का नाम तो तय हुआ है, अभी क्या अपोजिशन लीडर पद स्वीकारना है या नहीं वो उनके ऊपर डिपेंड है। वो अगर राहुल गांधी जी अपोजिशन लीडर बनते तो उनको हमारी शुभकामनाएं।